सिया को माही की तबीयत को लेकर चिंता सता रही थी, इसलिए उसने इस बारे में पृथ्वी से बात की और कहा कि माही को उसके घर दिल्ली भेज देना चाहिए, वहाँ उसका इलाज अच्छे से डॉक्टर के जरिए हो जाएगा। तो पृथ्वी ने कहा कि माही का ध्यान रखने वाला उसके घर में कोई नहीं है, इसलिए उसे दिल्ली नहीं भेज सकते। सिया ने मायूस होकर कहा, पर ताऊसा, उसकी तबीयत सच में खराब है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। तो तू चिंता क्यों कर रही है बीदड़ी, उसे एक बार जयपुर के किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते, के पता वो ठीक हो जाए। तू उसकी चिंता मत कर और अब जाकर आराम कर, पृथ्वी ने सिया को जवाब दिया, जिसे सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह सभा भवन में समर्थ ने सभा बुलाई थी, जिसमें मीडिया वालों को बुलाया गया था ताकि उनके सामने इलाके के लोगों को समझाया जा सके कि उनकी पत्नियों का ट्रेनिंग करके काम करने से उन्हीं को फायदा होगा। सभा भवन में मीडिया वाले राठौड़ परिवार के सब मर्द और सभी पंचों के साथ साथ इलाके के लोग भी मौजूद थे। सभी पंच, मुखिया और समर्थ अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। परिवार के मर्द वहां कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इलाके के बाकी लोग और मीडिया के लोग एक तरफ खड़े हुए थे। सब पंच, समर्थ और वंश से सलाह मशवरा कर रहे थे। कुछ देर बाद जीवा ने सबको देखते हुए कहा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर्ष ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला था, जिसमें आप सबके घर की लुगाइयों को हस्तकला सिखाई जाती थी और उसका इस्तेमाल करके वो जो भी सामान तैयार करती थी उससे होने वाली कमाई को उन लुगाइयों के बीच बांटा जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और ट्रेनिंग सेंटर में भी तोड़फोड़ की। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद पूरी होते ही एक आदमी आगे आते हुए बोला, इसमें जानने की क्या जरूरत है पंचसा, लुगाइयों पर घर का काम ही अच्छा लगता है। मर्दों का काम अगर लुगाई करने बैठ गई तो कभी कोई काम नहीं होगा। लुगाई का काम चूल्हा चौका करना है और मर्द का काम पैसे कमाना, और ऐसे ही घर चलता है। उसका साथ देते हुए दूसरा आदमी बोला, और हमारा घर चल रहा है, इसलिए हमारी लुगाइयों को ऐसे काम सीख कर पैसे कमाने की जरूरत ना है। समर्थ ने उन लोगों को समझाते हुए कहा, जरूरत पैसे की नहीं है, जरूरत है इन लुगाइयों को अपने बलबूते पर खड़ा करने की। इनकी हालत देखिए कभी आप लोगों ने, ये सब बस आप पर निर्भर रहती है। अगर आप मर्दों का साया इन लुगाइयों के सिर से छिन जाए तो इनका क्या होगा, किसी ने सोचा है? एक बार जाकर जरा विधवा आश्रम में देखिए, उन विधवा लुगाइयों के साथ कैसा बर्ताव करते हो आप लोग। क्या आप लोग चाहते हैं आपके जाने के बाद आपकी लुगाइयों, छोरियों और बीनड़ियों के साथ ऐसा हो? बोलिए, जवाब दीजिए। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए सब चुप हो गए। दूसरी ओर शेखावत मेंशन में शिव और अंबिका यशोदा के साथ हॉल में बैठे टीवी पर नागौर की सभा का लाइव कवरेज देख रहे थे। शिव और अंबिका समर्थ को देखकर खुश थे, लेकिन यशोदा गंभीर नजर आ रही थी। वही नागौर के सभा भवन में एक आदमी कुछ सोचते हुए आगे आकर बोला, लुगाइयों को ख्याल रखने के लिए ही हम उनकी 13-14 साल की उम्र में ही शादी करवा देते हैं, ताकि उनके समय से बच्चे हो जाए, ताकि उनके भड़तार का साया उनसे छिन भी जाए तो भी वो अपने बच्चों के सहारे अपना जीवन गुजार सके। उसका साथ देते हुए एक और आदमी बोला, हाँ, उनके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है। हर आदमी अपनी लुगाइयों के लिए अपने बच्चे छोड़कर जाता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर परिवार अच्छे से चल सके। तो फिर आप लोग ऐसे हमारी लुगाइयों को भड़का कर क्यों हमारा घर तोड़ना चाहते हैं? समर्थ को अब गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, कैसे लोग हो तुम सब, तुम लोगों की लुगाइयां आगे बढ़ना चाहती हैं और तुम लोग बोल रहे हो कि इसके जरिए हम तुम लोगों के घर तोड़ रहे हैं। एक लुगाई घर बनाती है, एक लुगाई घर बसाती है, एक लुगाई जीवन देती है और तुम लोग उस लुगाई को आजादी भी नहीं दे सकते। अगर लुगाइयां अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो वो और अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगी। समर्थ आराम से इलाके के लोगों को समझा रहा था, लेकिन वो लोग तो उसकी बात समझने को ही तैयार नहीं थे। उन सबको समर्थ पर गुस्सा आ रहा था। उनमें से एक आदमी समर्थ पर बिगड़ते हुए बोला, हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहे हैं, हमारे परिवारों की चिंता आप मत कीजिए, आप ना अपने घर पर ध्यान दीजिए, ये सब नियम आपके घरों में लागू होते होंगे। एक और आदमी आगे आते हुए बोला, हमें अपनी लुगाइयों को काम पर नहीं भेजना तो मतलब नहीं भेजना, आप करवाइए अपने घर की लुगाइयों से कमाई और बैठकर खाइए। उसकी बात सुनकर समर्थ का गुस्से से चेहरा लाल हो गया
और उसकी आंखों में गुस्से से खून उतर आया। उसने आगे जाकर उस आदमी को कॉलर से पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से सब डर गए। समर्थ गुस्से में बोला, ये बोला तूने हमारे घर की लुगाइयों के बारे में? हम उनकी कमाई खाते हैं। आजादी दी है हमने अपनी लुगाइयों को ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और उनको हमारे सहारे की जरूरत ना पड़े। ये बात थारे को प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ नहीं आ रही के? लगता है कि प्यार की भाषा थारे को समझ नहीं आती। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी सिया वहां आते हुए बोली, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अगर आपकी पत्नी काम करेगी तो आपको उनकी कमाई खाने के ताने मिलेंगे? वो बाहर काम करने जाएंगी तो इससे आपका घर टूटेगा। हर औरत का अधिकार है कि वो अपने सहारे पर अपनी जिंदगी जी सके, और अगर आपकी औरतों को ये मौका मिल रहा है तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। सबका ध्यान अब उसकी ओर चला गया। सिया अंदर आई और समर्थ को इशारे से उस आदमी का कॉलर छोड़ने के लिए कहा, तो समर्थ ने अपना गुस्सा पीकर उसका कॉलर छोड़ दिया। सिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, भारत के संविधान में ये बात लिखित है कि अगर कोई औरत काम करना चाहती है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो उसके परिवार का कोई भी सदस्य हो या उसका पति ही हो। अगर उसे कोई रोकता है तो इसके लिए कानूनन सजा भी हो सकती है, यानी जेल भी जाना पड़ सकता है। आप लोगों को अगर जेल जाना है तो कीजिए विरोध। वैसे भी मीडिया वाले भी यही हैं। आपका विरोध पूरा देश देखेगा। सिया की बात सुनकर समर्थ के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं इलाके के लोग एक पल के लिए डर गए और एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। दूसरी ओर शेखावत मेंशन में शिव खुश होते हुए बोला, अरे वाह, आज तो सिया छा गई। यशोदा ने इतराते हुए कहा, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है शिव? मेरी पोती राजकुमारी है, ये सब उसके लिए आम बात है, उसे ये सब संभालना अच्छे से आता है। हाँ दादी सा, पर देखिए ना, सिया के साथ जवाई सा भी तो छा रहे हैं, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। यशोदा ने सख्त लहजे में कहा, शिव ये बात मैटर नहीं करती कि कौन टीवी पर आ रहा है, मैटर ये बात करती है कि क्यों टीवी पर आ रही है। पहले ध्यान से पूरा मामला तो सुनो क्या है। उसकी बात सुनकर वो तीनों ध्यान से टीवी देखने लगे। वही नागौर की सभा भवन में एक और आदमी हिम्मत करते हुए बोला, हुकुमरानी सा, आप और हुकुम सा हमारे पारिवारिक मामले में टांग अड़ा रहे हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो हमें मजबूरन मंत्री जी के पास जाना होगा। हमारे घर में आप बेवजह आएंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। उसकी बात सुनकर समर्थ ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम लोग मंत्री के पास जाओगे और हम लोग तुम सबको जाने देंगे। पहले भी तुम लोगों ने जीत भाईसा को मोहरा बनाकर अपनी जिद मनवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब नहीं। अब अगर मंत्री जी भी आकर यहाँ तुम लोगों का साथ देंगे तो उन्हें भी कानून का सामना करना होगा। एक लुगाई के पास काम करने का कानूनन अधिकार है। शेखावत मेंशन में सब समर्थ की बात ध्यान से सुन रहे थे। शिव तो उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस था। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी सा, एक सच्ची बात बोलूं, जवाई सा को देखकर मुझे बापू सा की याद आती है। बापू सा भी बिल्कुल जवाई सा जैसे ही थे। बापू सा की तरह जवाई सा में भी एक अच्छे नेता की सभी खूबियां भरी पड़ी है। उसकी बात सुनकर यशोदा कुछ सोच विचार करने लगी। समर्थ ने उस आदमी से कहा, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में लिंग समानता, महिला सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ साथ कार्य करने का अधिकार भी शामिल है। इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगर तुम लोगों ने मौलिक अधिकारों का हनन किया तो तुम सबको कोर्ट में सजा मिलेगी, और अगर थारा साथ मंत्री जी ने दिया तो उन्हें भी कोर्ट जाना होगा और उनकी कुर्सी भी उनके हाथ से जाएगी। अब तुम सब सोचो कि तुम लोगों को जेल जाना है या अपनी लुगाइयों को सेंटर आने की इजाजत देनी है। उसकी ये बात सुनकर शिव ने तालियां बजाते हुए कहा, इम्प्रेसिव, वाह जवाई साहब वाह। यशोदा को समर्थ के लिए उसका ऐसे उत्साह दिखाना अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर नागौर में इलाके के लोग जेल के डर से चुप हो गए थे। उनको चुप देखकर समर्थ ने वार्निंग देते हुए कहा, मैं बार बार आप लोगों को समझाकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैंने मजबूरन कानून का सहारा लेना होगा, समझे? इलाके के सब लोग उसकी बात मान गए। समर्थ और पंच हर्ष और सिया के साथ मिलकर मीडिया के जरिए उन्हें ट्रेनिंग सेंटर के फायदे बताने लगे। ये सब देखकर यशोदा ने शिव से कहा, शिव अब दूसरा टीवी चैनल लगाओ, अभिनव का शपथ समारोह शुरू हो गया होगा। उसकी बात सुनकर शिव मायूस हो गया था, क्योंकि एक तो उसे अभिनव बिल्कुल भी पसंद नहीं था और दूसरा उसे नागौर वाली न्यूज अभी और सुननी थी।
लेकिन फिर भी उसने मन मार कर चैनल चेंज किया। दूसरे चैनल पर अभिनव का शपथ समारोह पूरा हो चुका था, जिसको देखकर यशोदा ने मुंह बनाते हुए कहा, शिव तुमने पूरा शपथ समारोह मिस करवा दिया। तो क्या हुआ दादी सा? अभी तो अभिनव का इंटरव्यू बाकी है, वो सुन लीजिए, देखिएगा अभी आपकी तारीफों के पुल बांधेगा, शिव ने यशोदा को जवाब देते हुए कहा। इंटरव्यू में रिपोर्टर ने सवाल किया, अभिनव जी आज आप JVP के यूथ प्रेसिडेंट बन गए हैं, आप इसका श्रेय किसे देंगे? अभिनव ने जवाब देते हुए कहा, आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने बापूसा की वजह से। मेरे बापूसा आज नागौर के MLA हैं, महेश राजावत, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं सिखाया कि मैं उनका नाम यूज करके ये सब हासिल करूं, बल्कि यही सिखाया जो भी करूं अपने दम पर करूं। उनकी शिक्षा के कारण मैं यहाँ हूँ और इसलिए मेरे इस पद पर पहुँचने का सारा श्रेय मैं मेरे बापूसा को देता हूँ। उसकी बात सुनकर शेखावत मेंशन में सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा था। शिव ने बौखलाते हुए कहा, अभिनव MLA महेश राजावत का बेटा है, यानी हमारे दुश्मन का बेटा। जिस इंसान को पार्टी जैसे तैसे झेल रही थी, उसके बेटे को मैंने सपोर्ट करके यूथ प्रेसिडेंट बनवा दिया, ये मैंने क्या किया? यशोदा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। उसे झटका लगा था और ऐसा ही झटका किसी और को भी लगा था, और वो थी बेला। वो कजरी के घर में तारा के साथ अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। टीवी पर पहले तो नागौर की सभा भवन वाली न्यूज चल रही थी, लेकिन अचानक न्यूज में ब्रेक आया तो तारा ने चैनल चेंज कर दिया। नेक्स्ट चैनल पर अभिनव का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। जैसे ही बेला ने अभिनव को देखा, वैसे ही वो बौखलाते हुए बोली, तारा ये तो अभिजी है, ये MLA सा के बेटे हैं। अभिजी मतलब इस छोटे के पिता? तारा ने बेला के पेट की ओर देखते हुए कहा, क्या होगा जब समर्थ के सामने आएगा बेला के होने वाले बच्चे के बाप का सच? क्या करेगी यशोदा अभिनव का सच जानकर? क्या होगा अब? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट FM पर। बेला और तारा दोनों टीवी पर नागौर की सभा भवन का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। तभी उन्होंने टीवी चैनल चेंज किया और नेक्स्ट टीवी चैनल पर अभिनव का इंटरव्यू चल रहा था। उसे देखकर बेला के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो उसके होने वाले बच्चे का बाप था। उसने जब ये बात तारा को बताई तो तारा भी चौंक गई और उसने बौखलाते हुए पूछा, क्या सच में यही अभिजी हैं जिनकी तुम बात करती रहती हो? क्या यही तुम्हें मिलने बुलाया करते थे? बेला ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यही है अभिजी जिनकी मैं बात करती हूँ। तारा ने उसको समझाते हुए कहा, बेला तुम बहुत भोली हो, ये तो एक नेता का बेटा है और अब तो ये खुद भी नेता बन गया है, तुम ऐसे इंसान के जाल में फंस कैसे सकती हो? भूल क्यों गई तुम कि हम लोगों से कोई प्यार नहीं करता? उसकी बातें सुनकर बेला ने रोते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो तारा? क्या अभिजी ने मेरे साथ धोखा किया है? क्या वो मुझे प्यार नहीं करते? क्या वो कभी भी मेरे बच्चे को नहीं अपनाएंगे? तारा ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, बेला तुम अपनी सच्चाई जानती हो, इस सच को जानने के बाद हमें क्यों कोई अपनाएगा? और ये इतना बड़ा आदमी है और हम इसके सामने धूल के बराबर भी नहीं है। तो बेला ने उसकी बात काटते हुए कहा, पर हुकुमसा ने बोला था कि वो मेरे बच्चे के होने वाले बाप को ढूंढ कर उससे मेरी शादी करवाएंगे, उनसे बात करो वो जरूर कुछ करेंगे। तारा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन अब तुम रोना बंद करो। उसने जैसे तैसे समझा बुझाकर बेला को शांत करवा दिया। वहीं शेखावत मेंशन में शिव का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, देखा दादी सा, मैंने बोला था ना ये अभिनव भरोसे के लायक नहीं है, आप इस पर हद से ज्यादा विश्वास दिखा रही थी, ये तो एक नंबर का धोखेबाज निकला, इसने हमें धोखा दिया, इसको पता था कि अगर हम इसका सच जानेंगे तो इसका साथ कभी नहीं देंगे, इसलिए इसने इतना बड़ा नाटक रचा। उसकी बात सुनकर अंबिका ने उसे शांत करवाते हुए कहा, कुंवर साहब शांत हो जाइए, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिसको मैंने भाई बोला था वो हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा दे सकता है, लेकिन इस तरह बिगड़ने से कुछ नहीं होगा, आप लोग शांति से काम लीजिए। ये सुनकर शिव ने मुंह बनाते हुए कहा,
क्या ही शांति से काम लूं अंबिका? इस घर में कोई शांति रहने देता है क्या? ऐसे ही किसी इंसान पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार बोला है आप लोगों को, लेकिन आप लोग मुझे समझते ही नहीं हो। तुमने उसे भाई बनाया और दादी सा ने तो उसको अपने सिर पर बैठा लिया। अब देखिए वो कौन निकला, हमारे दुश्मन का बेटा। शिव ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, अंबिका तुम्हें तो कुछ याद नहीं, पर पता है अभिनव का बाप हमारे बापूसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हमेशा कोशिश करता था कि कैसे ना कैसे बापूसा को पार्टी से निकाल दिया जाए। उसकी इन हरकतों का पता पार्टी प्रेसिडेंट को था, इसलिए वो भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। पर क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए इसको पार्टी इसे झेल रही है, वरना इसको कोई मुंह भी ना लगाए। ये बात इसे अच्छी तरह से पता है। अब अपने बेटे को पार्टी में जगह दिलवाने की बारी थी, तो इसलिए इसने हमारा सहारा लिया था। वो बोली जा रहा था और यशोदा सिर पकड़े सोफे पर बैठी बस सुन रही थी। लेकिन अब उसको गुस्सा चढ़ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, शिव बस करो, हो गई गलती, अब क्या मेरी जान लोगे? उसकी बात सुनकर शिव ने कहा, दादी साहब आप तो उल्टा मुझ पर ही बिगड़ रही हैं। मैं रही हूँ या तुम? तुम अपनी दादी साहब के साथ उलझ रहे हो, क्या यही सिखाया है हमने? यशोदा ने उसकी बात काटते हुए कहा। शिव को जब एहसास हुआ कि गुस्से में वो अपनी दादी साहब के साथ बहस कर रहा था, तो वो अपनी गलती मानते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई दादी साहब, गुस्से में मुंह से निकल गया, सॉरी। ये सब इस अभिनव की वजह से हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए, इसका तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, इसको तो मैं इसके धोखे की अच्छी सजा दूंगा। यशोदा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दो, इस अभिनव का क्या करना है और क्या नहीं ये मैं देख लूंगी। इसने नाटक करके धोखा दिया है तो इसको धोखे की सजा मिलकर रहेगी, मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। भूलो मत मैं यशोदा सिंह शेखावत हूँ, जो ऐसे ही किसी की गलती माफ नहीं करती। वो गुस्से में मुट्ठी भींच कर अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर नागौर में अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए राठौड़ परिवार के लोग घर लौट आए थे। सब खुश थे और हॉल में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। जीवा भी घर आया था तो वो भी उनके साथ ही बैठा था। सभी लोग बातें कर रहे थे। जीवा ने कहा, आज का मामला तो बहुत ही पेचीदा था, लेकिन जैसे तैसे सुलझ गया। उसकी बात सुनकर पृथ्वी ने कहा, बहुत मुश्किल से सुलझा है, मैंने तो लगा था कि बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि जैसे कल समर्थ गुस्से में घर से निकलने वाला था, ये उन सबको तोड़कर ही घर में आता। जीवा ने समर्थ की ओर देखते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें हर्ष की वजह से इतना गुस्सा आया था कि तुम सबको तोड़ने वाले थे समर्थ? उसकी बात सुनकर समर्थ कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका फोन बजा और वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। जीवा ने उसे जाते हुए देखकर हर्ष से कहा, हर्ष अब तुम दोनों को अपना मन मुटाव दूर कर लेना चाहिए, एक बार तुम खुद जाकर उससे बात करो, मुझे लगता है कि अब उसका गुस्सा उतर गया है। ऐसा तुम्हें लगता है पर मुझे नहीं, मुझे लगता है वो अभी भी मुझसे गुस्सा है, हर्ष ने उसे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सिया ने जीवा से कहा, जीवा भाई सा समर्थ जी बात कहाँ करते हैं, वो तो बस मुक्का लात उठाते हैं। आपको तो पता ही है समर्थ जी को कितनी मुश्किल से आपने और शोभा जीजी ने उनको हर्ष भाई सा के साथ मार पिटाई करने से रोका था, वो किसी की सुनते हैं क्या सिवाय ताऊसा की? रतन ने सिया की बात में हामी भरते हुए कहा, ये बात तो तुम्हारी सही है बिंदड़ी, तुम्हारे ताऊसा के अलावा समर्थ किसी और की नहीं सुनता। उसकी बात सुनकर पृथ्वी ने कहा, मैंने बात की थी समर्थ से पर उसने मना कर दिया, वो सब कुछ भूलकर हर्ष को माफ नहीं करना चाहता, मैंने लगता है कि अभी उसे और समय देना चाहिए। ये बात सुनकर सब मान गए। अब कुछ देर और बातें करने के बाद जीवा अपने घर चला गया, बाकी घर वाले भी आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। सिया भी अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि समर्थ किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसके चेहरे पर शिकन थी। समर्थ ने फोन पर बात करते हुए कहा, तारा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तू उसे समझा कि उसे ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो मंत्री का छोरा भी है ना तो भी उसे बेला से शादी करनी ही पड़ेगी, वो ऐसे पीछे नहीं हट सकता। उसकी बातें सुनकर सिया को पता चल गया था कि समर्थ किस बारे में और किससे बातें कर रहा है। जब समर्थ ने तारा से बात करके कॉल डिस्कनेक्ट किया तो सिया ने झट से सवाल किया, क्या हुआ समर्थ जी, बेला और तारा तो ठीक है ना, आप मंत्री के बेटे की क्या बात कर रहे थे, क्या आपको पता चल गया कि बेला के होने वाले बच्चे का बाप कौन है? समर्थ ने जवाब देते हुए कहा, हाँ पता चल गया। सिया ने फटाक से सवाल किया, कौन है वो,
समर्थ ने फिर से जवाब देते हुए कहा। अंबिका का भाई अभिनव। उसकी बात सुनकर सिया चौंकते हुए बोली, क्या अभिनव? वो बौखलाते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं समर्थ जी, वो तो एक आम और सीधा साधा लड़का है, वो कैसे बेला के होने वाले बच्चे का बाप हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। वैसे आप तो अभी अभी मंत्री जी के बेटे की बात कर रहे थे, तो फिर अभिनव? सिया को समर्थ की बातों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। समर्थ ने उसे जवाब देते हुए कहा, चतुरी अभिनव नागौर के एमएलए महेश राजावत का छोरा अभिनव राजावत है। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई और वो मुंह फाड़ कर बोली, क्या वो महेश राजावत का बेटा है? समर्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ वो उसी का बेटा है। ये सुनकर सिया ने अपने माथे पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहा, हे राम जी, इतना बड़ा धोखा, उस महेश राजावत का बेटा है जो कि हमारे परिवार के दुश्मनों में से एक है। महेश राजावत की घटिया हरकतों की वजह से मेरे बापूसा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसके बेटे ने झूठ बोलकर दादी के सहारे पार्टी प्रेसिडेंट की सीट हासिल की। ये नहीं हो सकता। पता नहीं दादी सा को इस बारे में कुछ पता भी है या नहीं। उसकी बात का जवाब देते हुए समर्थ ने कहा, मने लगता है कि उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि अभिनव किसका बेटा है, क्योंकि आज ही अभिनव ने इंटरव्यू में अपने बापूसा के बारे में बताया है। वहीं पर बेला ने उसे देखा और पहचान लिया। ये सब तारा ने मने फोन करके बताया है। उसके मुंह से अभिनव के बारे में सुनकर सिया को भी उस पर वैसे ही गुस्सा आ रहा था जैसे शिव को आया था जब उसने अभिनव का सच सुना था। सिया ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, उसने हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको धोखे की सजा तो मिलकर रहेगी। उसे गुस्से में देखकर समर्थ ने उसे शांत करवाते हुए कहा, शांत शांत, ऐसे लोगों से निपटना हमारे बाएं हाथ का काम है, तू चिंता मत कर, उससे भी हम निपट लेंगे। पर समर्थ जी, उसने छोटी मोटी गलती नहीं की है, हमारे परिवार के साथ उसने बेचारी बेला को भी तो धोखा दिया। सिया ने समर्थ की बात पर सवाल करते हुए कहा। समर्थ ने उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, उसे अपने हर धोखे की सजा मिलेगी, तू चिंता मत कर। कैसे चिंता ना करूं समर्थ जी, पता है दादी सा उस पर कितना विश्वास करती थी, उनको अब पता नहीं कैसा लग रहा होगा। और अंबिका, वो तो अभिनव को अपना भाई मानती थी, उसको भी तो। सिया अभी बोली रही थी कि समर्थ ने उसके होठों के ऊपर उंगली रखते हुए कहा, थारे को मैंने घर संसार पर ध्यान देने के लिए कहा था, पर इतना नहीं कि तू खुद ही परेशान हो जाए। मणे मारी चांद कवरसा के चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है, ना कि चिंता। अब मुस्कुराकर मारे सीने से लिपट जा, ताकि मारे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। उसकी बात सुनकर सिया थोड़ा सा मुस्कुराकर उसके सीने से लिपट गई और समर्थ ने उसे बाहों में भर लिया। दूसरी ओर शेखावत मेंशन में यशोदा अपने कमरे में अकेली थी। उसे अभिनव पर गुस्सा चढ़ा हुआ था और वो कैसे भी उसे सबक सिखाना चाहती थी। वो कब से इस बारे में सोच सोच कर इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। अचानक से उसे कुछ सूझा और उसने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसे अपना मकसद अधूरा नहीं छोड़ सकती, और ना ही उस अभिनव राजावत को ही छोड़ सकती हूँ। इसमें मेरी मदद एक ही इंसान कर सकता है, वो है ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़। बहुत हुआ बैकफुट का खेल, अब फ्रंट में आना ही होगा। सिया शिव चाहे पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखना चाहते, लेकिन समर्थ इस बात को मना नहीं कर पाएगा, और उसे कैसे इसके लिए मनाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे की उस दीवार के पास आई जहाँ पर उसकी फैमिली फोटो लगी हुई थी। उसने अपने परिवार की तस्वीर देखते हुए कहा, ये खेल आपने शुरू किया था अधिराज जी, लेकिन अब इसे ठाकुर समर्थ खत्म करेगा। समर्थ को मनाने के लिए चाहे अब मुझे उसे उसके हार्ट ट्रांसप्लांट का सच ही क्यों ना बताना पड़े, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या होगा जब समर्थ के सामने आएगा सच? क्या यशोदा होगी अपने मकसद में कामयाब? क्या समर्थ अभिनव और बेला की शादी करवा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।